तो फाइनली दोस्तों जवान फिल्म का नया सॉन्ग दिल तेरे संग जोड़िया का एक BTS फुटेज लीक्ड हुआ है। आप देख सकते हो दोस्तों कि समंदर के बीचों बीच गेटवे ऑफ इंडिया में शाहरुख खान और नयनतारा का ये केमिस्ट्री दोस्तों कमाल लग रहा है। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान फिर से अपने वही सिग्नेचर पोज में, अपने वही अंदाज में दोस्तों क्या कमाल की केमिस्ट्री लग रही है दोनों के बीच में। आपको बता दूं कि ऐसा ही 90s की फिल्म बाजीगर में भी समंदर के बीचों बीच दोस्तों शाहरुख खान और काजल की जोड़ी ने तहलका मचा दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नयनतारा और शाहरुख खान एक फुल फ्लेज मूवी के अंदर लीड कैरेक्टर में है। आपको बता दूं कि सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है फराह खान ने। 9 साल के बाद वो फिर से शाहरुख खान की फिल्म के साथ एक जॉइंट वेंचर कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों म्यूजिक कंपोजर जो है वो है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध वही है दोस्तों जिन्होंने डेब्यू किया था वाई दिस कोलावेरी डी सॉन्ग, जो धनुष ने गाया था आज से लगभग 15 साल पहले की बात है जब ये सॉन्ग आया था। तो दोस्तों उस टाइम पे कितना बवाल मचा था। तो आप सोच सकते हो अनिरुद्ध का दोस्तों म्यूजिक जो होता है ना वो अमेजिंग होता है। वो जब भी म्यूजिक कंपोज करते ना एक कहते ना कि धासू होता है दोस्तों। वही बात करूं इस फिल्म के टीजर की तो दोस्तों जवान फिल्म का टीजर ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक सरप्राइज होने वाला है क्योंकि भाईजान की फिल्म के साथ अटैच होकर ही टीजर आ सकता है। और दोस्तों आप सोच सकते हैं कि अगर भाईजान जब रिलीज हो रही है और भाईजान के टाइम थिएटिकल में जब इसका टीजर आ जाए तो दोस्तों क्या मजा आएगा, ईद पर दोस्तों तबाही आ जाएगी। वही बात करूं झूमे जो पठान जिसको अरिजीत सिंह ने गाया था, लगभग 441 मिलियन हो गया है। और इस सॉन्ग को भी दोस्तों कोई और नहीं गा रहा है, अरिजीत सिंह गा रहे हैं। और ये सॉन्ग दिल तेरे संग जोड़िया एक रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है, टोटली रोमांटिक दोस्तों। बुक माई शो पे इंटरेस्ट की बात करूं दोस्तों तो पब्लिक ने लगभग 66,000 का इंटरेस्ट अभी शो हो रहा है जवान पे। जवान का टीजर जैसे ही रिलीज होता है दोस्तों बज बन जाएगा। और हमें पता है कि जवान फिल्म के एक 6 सेकंड के BTS ने वो तबाही ले आई थी और ये BTS फिर से एक नया BTS लीक हुआ। दोस्तों जवान को अब किसी की प्रमोशन की जरूरत नहीं है क्योंकि अब छोटे छोटे 6-6 सेकंड के BTS तबाही ला रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एटली ने। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि अल्लू अर्जुन, जी हाँ दोस्तों अल्लू अर्जुन का जो कैमियो है वो शूट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों वो अपना शूट पहले कंप्लीट कर चुके हैं। फिल्म का ऑलमोस्ट समझ लो कि अब सारा शूटिंग प्री प्रोडक्शन काम हो चुका है और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर भी थोड़ा सा काम बचा है जो कि इस वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जवान फिल्म वाकई में पठान के रिकॉर्ड तोड़ेगा? क्या जवान फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन से पहले दिन का 55 करोड़ से ऊपर जाएगा? दोस्तों सलमान खान के ट्रेलर को हमने सब देख लिया है, अब जवान के टीजर का वेट कर रहे हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको, लाइक कमेंट करने का, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देने का, चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।